हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेल बुलेटिन सोनू के संगे। रीमा में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 खातिर पहले चरण के मतदान मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी जनपद पंचायत में शुरू हुई कहब। बतावा जात है कि पहले चरण में 456,867 मतदाता वोट डरी। बतावा जात है कि सवेरे से मतदान केंद्र में वोट डराई वाले के भीड़ दिखात लगी। मतदाता है आप? क्या है मतदान की स्थिति? बहुत देरी है। कब से खड़े हैं आप यहाँ? एक घंटे हो गया, नंबर नहीं आया। नाम क्या है? अपना नाम? मैं नितेश कुमार द्विवेदी, गांव के नुआ बैलान में पंचायत चुनाव हो रहा है। यहाँ पे मतदान की गति जो है बहुत धीमी है और कुछ कर्मचारी है। कितने मत पड़ गए? 22 मत पड़े हुए, जिसके कारण मतदान जो देने आए हैं वो मतदान में लाइन लग के। आपका नाम? शैलेंद्र कुमार द्विवेदी। ग्राम पंचायत क्या है? तुनुवा बैला। क्या है मतदान की स्थिति यहाँ? मतदान की जो पीठासीन अधिकारी हैं बहुत टाइम ले रहे हैं, एक वोट डालने में कम से कम 10 मिनट टाइम ले रहे हैं। अच्छा, पोलिंग में भीड़ की वजह यही है क्या? भीड़ की वजह यही है। कैसे हैं आप लोग? 2.5 घंटे हो गए, अभी नंबर नहीं आए। अच्छा, आप भी 2.5 घंटे से लगे हैं? अच्छा, मतलब मतदान बहुत धीरे। रीमा कलेक्टर पुरान सातिर 8 अपराधीन का 1 साल खातिर जिला बदर कैदीन हमा। चोराटा के गांव बैजनाथ के ढिन्नू उर्फ कीमत राम कुशवाहा, अतरैला के गांव भाड़रा के कमल कुमार दुबे, सिटी कोतवाली में आबई वाले बिछिया के फरीद खान, अतरैला के गांव जुनहा के देवेंद्र कुमार तिवारी, इनका सगलेन का 1 साल खातिर जिला से बहिरे भेज दिन गहब। रीमा में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प निर्देश दिहिन हमा, चुनाव लड़ई वाले उम्मीदवार हों चाहे उनखर कोहू अभिकर्ता हों, इनके कई से जो कोहू अपने गाड़ी या किराए से मतदातन का वोट डरबावे ले जाई तो यह अपराध माना जाए और कार्यवाही की जाए। खबर सिंगरौली से है भाई, जहां कमलनाथ अपने दौरा में पहुंचे, हेलीपैड से रामलीला मैदान तक कांग्रेसी रैली के संगे उनकर स्वागत करियो। बतावा जाता है कि कमलनाथ कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अरविंद सिंह चंदेल के समर्थन में जनसभा करें हमा। वहीं कमलनाथ कहें कि कांग्रेस के सगले विधायक सुरक्षित हमा, शिवसेना आपन संहारा। हमारे कांग्रेस के विधायक सब एक हैं और जो हम समर्थन दे रहे थे एनडीए सरकार को हम देते रहे, अब शिवसेना को है कि वो अपने विधायक देखभाल करें। कांग्रेस विधायक सुरक्षित है सर? कांग्रेस विधायक सब सुरक्षित है, मुझे मिले थे। कितने विधायकों से मुलाकात हुई थी सर? 41 से हुई थी, 44 से 3 ने मुझसे फोन में बात की। कुछ फोन में बात हुई थी। खबर रीमा से है भाई, जहां भू माफियन के चंगुल में व्यापारी फंस गए हमा। बतावा जाता है कि पैसा लगाए के बाद जमीन नहीं मिली। यह मामला शहर के प्रकाश चौराहा के लगे पुरान पुष्पराज टाकीज के जमीन की आए। आई अपना पंचन का सुनाए थे पीड़ित आदमी कैसन बाजार में बाग बाग के मामला के खुलासा करत लाघब है। कौन वाला हिस्सा बेची सरकारी? ये जो अपने के हमने पीछे जो है ना नजूल विभाग का, या जो स्टैंड वाला भाई बन भाई नहीं, हां हां नगर निगम वाला, हां नगर निगम ए मां। अपना कितना फुट रहा पहले? हमारा 7 बाई रहा है 35 के, अब 5 बाई दिन 38। और ओकर मुबारक के 10 बाई 20 है। रजिस्ट्री हो गया ओकर? ओकर नहीं पाई है, खराब ही नहीं है ना। घोसी गाड़ी कीने सब इंडियन से भेज के सरकारी घर जीने के पैसा ले लिए। और सिर्फ हमारे में 150 फुट जमीन बची रही तो वहाँ का ले ली। अपना कैसे खरीदे रहे हम जमीन? कृष्ण कुमार से। कृष्ण कुमार से खरीदे हम अभी अपना? हाँ, ये कृष्ण कुमार या सोनू से लगाई रहा कि हम बेचा। कौन सोनू? पनिया वाला। अच्छा, उसे? हाँ, यह कैसे लगाई रहा कि हम बेचा प्रस्ती तुम्हारा करवा दो। सोनू कौन वाली पनिया के? अरे जो नगर निगम का अरे अध्यक्ष है। काहे के?
खबर रीमा के मनगवा से हबई, जहां एसडीएम कोर्ट के नाम मा कूट रचित कागज तैयार करई के मामला के जांच होए। बतावा जात है कि कई उठे जमीन स्वामी के जमीन दूसरे के नाम में दर्ज करई के मामला की जांच खातिर कलेक्टर का सौंपा गया। मनगवा तहसील में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से खसरा सुधार के नाम पर व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें खसरा सुधार के नाम पर कई किसानों की भूमि हड़प ली गई है, जिसकी फर्जी अदालत बना के फर्जी अदालत तैयार की गई और वहाँ पर बाबू बनाया गया और वो आदेश जारी कर दी। वो आदेश समूचे हमारे पास भी आदेश की कॉपियाँ हैं। मनगवा तहसील के अंतर्गत संबंधित हल्का पटवारी को नामांतरण करने के लिए वो आदेश जारी कर दिए गए। जब इस्तलाबी के लिए वो आदेश पटवारी के पास पहुँचे तो वो पकड़ में आ गए कि किसानों की भूमि, उनको किसानों को पता ही नहीं है और किसानों की भूमि दूसरों के नाम हो गई। खबर सतना से है भाई, जहां आचार संहिता के उल्लंघन खुलेआम हुई रहा है। बतावा जाता है कि सुहावल ब्लॉक की आरआई राजेश तिवारी अपने पैंट के जेबा में रखे रहे रिवाल्वर निकाल लीन। आप बताओ एजेंट लोग कितने बैठे हैं, इनसे कोई गुलशन तुम पीछे आ जा बेटा, बताओ कोई दिक्कत है पिताजी। आज हम एक महीने से चुनाव लड़ रहे हैं, निष्पक्ष मतदान चाहते हैं, बिल्कुल ढाई दिन का वोट जो पड़े होंगे अगर वो डब्बे में नहीं निकलते उस समय मतगणना में वो कराएंगे। रीमा के मऊगंजमा आकाशी बिजली गिरे से तीन जने मर गए, वहीं आधा दर्जन घायल हुए के हमा। अपना का बताए दे कि चुनाव के माहौल में थोड़ का पानी बरसे से यह बिजली कहर के नैया टूट पड़ी हवे। आज खातिर इतने, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे। नमस्कार।